हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको बीएसएफ के बारे में बताऊंगा। बीएसएफ बहुत सारे वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, तो उसमें से फर्स्ट है आपका जो बीएसएफ है, आपका हेड कांस्टेबल है, मिनिस्टरल है, मतलब उसका मतलब एसआई है, स्टेनोग्राफर है, वो सबका वैकेंसी है। सबसे पहले वैकेंसी उसमें जो 12 पास है, ठीक है। और दूसरा एक आता है आपका, मतलब बीएसएफ का ही है वो, आपका बीएसएफ का वो मतलब हेड कांस्टेबल है। देखिए ये तो हेड कांस्टेबल है, ये है जो मैं तुमको आप लोगों को फर्स्ट बताया हेड कांस्टेबल। और वो जो आरएफ जो बीएसएफ का है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वाला बीएसएफ की, एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। हाँ, वो भी बीएसएफ का हेड कांस्टेबल ही है, लेकिन वो आपका रेडियो ऑपरेटर और मतलब हाँ रेडियो ऑपरेटर का है। मतलब हेड कांस्टेबल में आपको रेडियो ऑपरेटर का आपको वैकेंसी देखने मिलेगा, जो स्पेशल साइंस वालों के लिए है। जिसका साइंस है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया वाला बात है, जिनका साइंस वाला में इंटरमीडिएट में फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब साइंस होना चाहिए, तो एक तो हमको लगता है बहुत बढ़िया मौका है, वो तो भर ही देना चाहिए। जिनका साइंस सब्जेक्ट है उनको तो जरूरी डालना चाहिए, साइंस डालना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए। मतलब क्योंकि एक प्लस पॉइंट बन जाता है, जैसे कंपटीशन उतना तो नहीं रहेगा लेकिन साइंस लेवल का रहेगा ही कंपटीशन। और अगर आपका मैं बताऊँ तो आपका और वैकेंसी है एक डीआरडीओ में। डीआरडीओ में आप वैकेंसी में देखना चाहेंगे तो डीआरडीओ में आपका आ जाएगा कि जिसका होता है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है, तो आप उसको भी डालिएगा। और तो उसमें पोस्ट में बता दे रहा हूँ, बहुत सारा पोस्ट है, एग्रीकल्चर का है, बॉटनी का है, बहुत सारा केमिस्ट्री है। और इसका जिसके मतलब जैसे कि वैसे अगर नॉर्मल अगर देखिएगा तो 10 पास का तो नहीं है, लेकिन 10 पास का तो है लेकिन उसके साथ आईटीआई चाहिए, तो ये बड़ा बात आ जा रहा है डीआरडीओ में। तो ये तो बहुत बड़ा बात आ रहा है डीआरडीओ में, तो ये तो इसीलिए। और दूसरा जिनमें जिसका अगर फी देखा जाए डीआरडीओ का, तो जनरल ओबीसी 100 रुपये, एससी 0 और ऑल कैटेगरी फीमेल का 0, ये आपका 3 वैकेंसी हो गया। और एक मैं वैकेंसी बता रहा हूँ आपको, एसएससी स्टेनोग्राफर, जिसमें आपको स्टेनोग्राफी सीखना पड़ता है लेकिन फर्स्ट आपको एग्जाम होता है, एग्जाम क्लियर किए तो फिर तो बेस्ट है, जिसमें कंपटीशन बहुत ही कम होता है। और एक मैं बता दे रहा हूँ कि इंडियन आर्मी में गर्ल्स की आर्मी भर्ती, और मैं तो इतना बता ही चुका हूँ। और मैं बता दे रहा हूँ, अगर देखिएगा तो कोस्ट गार्ड का भी आया है। कोस्ट गार्ड का मतलब आपका जिसमें 12 पास होना चाहिए साइंस से, और 10th पास वाला भी है कोस्ट गार्ड का, आपको कोस्ट गार्ड का देखना होगा उसके लिए। मतलब एक तरह से देखिएगा तो वैकेंसी तो बहुत ही ज़्यादा है एक तरह देखेंगे तो। और एक तो आईटीपीपी का है, आईटीपीपी का कॉन्स्टेबल पायोनियर का है, उसमें लेकिन आईटीआई चाहिए, 10 के साथ आईटीआई चाहिए, तो वो वैकेंसी भी है। मतलब मैं तो आपको 6 या 7 तो बता ही दिया, और अगर जानना चाहेंगे उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैं लगभग लगभग सब मैं 10th 12th का ही है। ग्रेजुएशन लेवल को तो मैं एक भी नहीं बताया, ग्रेजुएशन लेवल का था एक मैं, लेकिन बताया नहीं पाया क्योंकि एसएससी सीपीओ का था, वो तो मैं बता नहीं पाया उसका मतलब डेट ख़त्म हो गया। लेकिन ये सबको डालिएगा। बीएसएफ का 2 है, हेड कॉन्स्टेबल का 1 दिन, एक तो है रेडियो ऑपरेटर में 12 साइंस के साथ, और एक तो नॉर्मल है 12 पास। एसएससी मतलब एसएससी बोल रहा हूँ, बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल में, तो आप इसको देखिएगा। और एक आपका पायोन मतलब आईटीबीपी पायोनियर में, जिसमें आपका 10th पास चाहिए, उसके बाद आईटीआई चाहिए, जिसमें पोस्ट है आपका कारपेंटर है, प्लम्बर है, वो सबका पोस्ट है। और डीआरडीओ है आपका, एसएससी स्टेनोग्राफर है, ये सब है, ये सब तो डालिएगा ही। और तो मैं लगभग आपको बता ही दिया 3-4। और कोस्ट गार्ड है, एक तरह से देखिएगा तो फिर बहुत वैकेंसी बहुत सारा, लेकिन अब देखिएगा किस में कैसे डालना है, क्या डालना है। ठीक है दोस्तों, मुझे यही बताना था।